हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं बालकनी में जैसे ही कही ना, मतलब अभी 9:30 बज रहा है और सुबह उठ के मेरा सारा काम हो चुका है, घर साफ, ब्रेकफास्ट, लंच, ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है। क्योंकि ब्रेकफास्ट में ही मैं सब्जी भी ज़्यादा करके बना दी हूँ और वैसे सब्जी बनाई हूँ जो हम लोग चावल से भी खाएंगे, आलू बैंगन और बड़ी कहते हैं। बड़ी मेरे ससुराल में कहते हैं, हम लोग के मायके में उसे अदौरी कहते हैं। तो उसी की सब्जी बनाई हूँ और मम्मी के लिए बनाई हूँ लौकी की सब्जी, लौकी और चने दाल की सब्जी। आज वही ब्रेकफास्ट बना दी हूँ, तो वो मतलब हो गया है ब्रेकफास्ट लंच का। बस दोपहर में बनाना है मुझे चावल। और आज मैं बालकनी में आई तो मैं बहुत खुश हुई, दिखाती हूँ क्यों। तो ये देखिए, ये एकदम से मैं मुझे नज़र पड़ा अभी और मैं देखी तो वाह कितना तो प्यारा लग रहा है। ये टमाटर पड़ा हुआ है तो फूल तो बहुत सारे पहले से ही आ रहा था। देखिए यहाँ भी फूल है, सब जगह फूल है, लेकिन टमाटर मुझे आज दिखा और 3 टमाटर यहाँ दिख गया। तो देखिए और टमाटर सब कब होता है। खैर, यहाँ 3 टमाटर देख के बहुत अच्छा लगा। और सारे गेंदे के पौधे में फूल भी आ रहे हैं। तनिषा का रंगोली जो कि एकदम बोली है कि नहीं हटाने के लिए। और इधर भी कुछ फूल आए हैं और ये तो आते ही रहता है इसमें हमेशा थोड़ा बहुत। तो हस्बैंड बोल रहे हैं क्या कि एक वो पौधा लगाए थे, कम से कम 10-12 को पौधा लगाते तो खूब सारा टमाटर होता था, चाकी बेचते तो हटिया में, है ना? आप जाते बेचने हटिया में? तो जब कर रहे हैं तो बढ़िया से करिए, गार्डनिंग छत पे जाके एक एरिया पूरा ले लीजिए, टमाटर, भिंडी, करेला सब रोपी उसमें, तब ना थोड़ा सा गमला में तो देखिए, मतलब इतना मेहनत आदमी करेगा ताजा ताजा खुद नहीं खाएगा तो बेचेगा। अरे उसको बेच के जो पैसा आएगा उससे पिज्जा और बर्गर खाइएगा। मतलब मैं तो लेकर आई थी जब क्या क्या रोपे थे हम, गेंदा का लाए थे और मिर्ची ले आए थे और वो टमाटर। सोचे कि ये अभी छत पर रहता तो और कितना अच्छा सीनगा होता। हाँ, यहाँ तो धूप ही नहीं लग रहा है, इतना महंगा हो गया मिर्ची, महंगा हो गया है। तो जितना मिर्ची है ना, अभी कम से कम 5-6 पौधा लगा हुआ है, धूप अगर लगता है ना तभी तक उसमें से मिर्ची निकलने भी लगता। सोचिए इनको कब से मैं बोल रही हूँ चलिए छत पर रख देते हैं उसको, तो जाना ही नहीं है, उठाना ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करना है। सब लिफ्ट से करना है तो भी इतना मेहनत लग रहा है इनको, पता नहीं खाली टोन निकलते जा रहे हैं। वैसे अब वो मेरा निकल रहा है, उनका तो कम हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं पूजा पाठ करने, बहुत लेट हो गया है, मिलते हैं बहुत जल्द। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा की बहुत सारी खरीदारी करने के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो जाएंगे, कहाँ से लीजिएगा वो सामान, सूप वगैरह लेना है, सूप लेना है, फिर घर में कोसी भराता है तो कोसी के लिए जो कोसी आता है वो सब लेना है, मिट्टी का जो बर्तन होता है वो, और मम्मी के यहाँ से मम्मी का बहुत सारा सामान लेना है। उसके अलावा मुझे भी कुछ कुछ चीज़ लेना है जो मैं सोच रही हूँ आज कल मैं ना निपटा लूँ, क्योंकि फास्टिंग में ना दौड़ भाग करने में फिर बहुत दिक्कत होगी। तो अभी इसीलिए हम लोग निकले हैं घर से, और छठ पूजा जो है अपनी सोसाइटी में हम लोग कर रहे हैं। तो आज बुलाया गया था इन लोगों को, वो बैठक हुआ था, क्या हुआ था जी? खड़े हुआ था बैठ के नहीं हुआ था। तो उसी में मतलब 5-6 लोग हैं जो, मतलब अभी 5-6 लोग हैं, हो सकता है बढ़ भी जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसे भी 5-6 लोग मतलब हुए हैं कि मतलब अलग अलग लोग कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग छत पर भी अपना कर रहा है, कुछ लोग अपना कर रहा है अलग तरीके से, लेकिन जो मतलब क्या बताइए ना कुछ क्या क्या हुआ है। मतलब कुछ लोग हैं, हम लोग अभी 5-6 लोग जो कि मतलब चाह रहे हैं कि बढ़िया से ओपन स्पेस में गड्ढा बना करके उसको तरीके से लाइट वाइट लगा करके साउंड डीजे सब के साथ फूल सजा करके मतलब अच्छे से मनाया जाए। वैसे अभी बस मम्मी का दिक्कत था, वरना हम लोग जाते हैं घाट पे ही, क्योंकि यहाँ पिछले साल जो हम लोग गए थे ना अयप्पा मंदिर वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और काफी जब छठ पूजा करते हैं ना तो वहाँ थोड़ा सा ओपन एरिया में और बहुत सारे लोग होते हैं तो उसका एक अलग ही मजा होता है, अच्छा लगता है सबके साथ करने में मिल के। तो यहाँ भी 5-6 लोगों का ग्रुप बना है अभी, 5-6 घरों का, तो वही बातचीत हुआ है अभी। क्या क्या सामने आएगा, क्या हो गया बातचीत, कल जैसे भी आके खोद देगा, फिर लाइट वाला लाइट लगा देगा, अपना टेंट वाला टेंट लगा देगा और फूल वाला फूल सजा देगा बढ़िया से। तो इस तरीके से सारा व्यवस्था किया जा रहा है, वही बुला के कितना खर्चा है क्या है ये सब का
कलेक्ट करेंगे। अब जेसीबी को बुला के पता नहीं कितना गड्ढा करवाइएगा वही हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग मतलब छठ घाट पे नहीं जा रहे थे मम्मी की वजह से, कि सीढ़ी उड़ी पे चढ़ना उतरना पड़ेगा तो वो हो नहीं पाएगा। अब यहाँ भी इतना 2 फीट का होगा, दो फीट 1 फीट का होगा सीढ़ी ऐसा बना कर, मतलब घुटने तक पानी आया और क्या। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या हम लोग आज खरीदारी करते हैं पूजा के लिए। दे दीजिए, ठीक है ना प्लीज। हाँ भैया, डेढ़ सौ का जोड़ा कम ना। तो कोसी और सूप हम लोग ले लिए थे, उसके बाद यहाँ बगल में सब्जी की मार्केट भी है सब्जी का, तो हम लोग सोचे कि कुछ सब्जियाँ भी ले लेते हैं। कल नहा खा भी है, लौकी लेना है और उसके अलावा भी बहुत सारी सब्जी लेनी है, तो फिर हम लोग वही मार्केट जा रहे थे, देख रहे थे कि क्या क्या सब्जी है। हे गाइस, मेरी वाइफ जो है छठ कर रही है, और छठ कर रही है तो थोड़ा सा शरीर पहले से कमजोर है, पता नहीं अब आगे क्या करेगी। देखिए अभी यहाँ लेटी हुई है, क्या कर रहे हैं आप मोबाइल में? एडिटिंग। अच्छा, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो इसका शिकायत क्या है कि इसका जो है कल या परसों हम लोग हो गए थे हॉस्पिटल, तो वहां पे बीपी लो बता रहा था। कह क्या रही है कि छठ में एक मतलब मेरे मतलब किसी नॉन पर्सन का कुछ इंसिडेंट हुआ था, एक क्या हुआ था छठ में? नहीं हुआ था, मतलब कोई दूर की, मतलब दूर की भी नहीं, मतलब पड़ोसी कोई नेबर थी इनकी, वो भाभी मतलब उनका बीपी लो था और वो तीज या कुछ की होंगी, ऐसे ही निर्जल जो व्रत होता है, और उसी दिन पता नहीं उनको अचानक से ना चक्कर आ गया और वो गिर गई और वो नहीं रही दुनिया में उसी दिन। तो वही इनको हम बोले कि हम भी, मेरा भी फास्टिंग है, एक तो बीपी लो हो गया है, पता नहीं सही में मुझे ना वीकनेस था एकदम अंदर से ना। अब कभी मेरे साथ अक्सर से क्या होता है, जब मुझे पता चलता है कि मैं बीमार हूँ तो मुझे और ऐसा लगने लगता है, ऐसा भी होता है, एक माइंड सेट हो जाता है लोगों का। नहीं, और मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, किसी का अगर इंसान का बीपी लो हो तो लड़ाई करने में कैसे आगे रहती है? फाइटा फाइटी करा लीजिए, लड़ाई करा लीजिए, दुनिया भर का ताम झाम कर लीजिए, लेकिन जब कुछ भी एकदम ऐसा रहेगा ना, थक गए सुबह से ना, सुबह खाना पीना सब बना के खिला रहे हैं, टाइम से हम मर रहे हैं क्या? तो वही तो कह रहे हैं, तो जब वही इनको हम बोले कि मान लीजिए हमको टेंशन हो रहा है कि यार उनका भी वैसे ही था, फास्टिंग की थी और चक्कर आ गया, बेचारी गिर के मर गई, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तब तो आप बहुत खुश हो जाइएगा। अब वो खुशी हम ऐसे बयान नहीं कर सकते आप लोगों को, मतलब सॉरी वो दुख हम बयान नहीं कर सकते। तो हमारे सोसाइटी में जो है छठ का प्रोग्राम, मतलब जो है वैसे हम मतलब नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जो कॉमन एरिया जैसे तालाब या कहीं नदी होता है वैसे करते हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी में एक ग्राउंड में थोड़ा सा जगह खाली है, जहाँ पे पिछले बार भी कुछ लोगों ने छठ मनाया था, तो इस बार भी जो है कुछ कुल मिला के हम लोग 5-6, 7-8 परिवार होंगे, तो वहां पे हम लोग छठ करेंगे। तो जेसीबी से खुदाई करवा करके वहां पे अच्छे से पूरा एकदम पानी भरवा के, लाइट फूल सब कुछ करवा करके हम लोग छठ मनाएंगे यहाँ पे। तो देखने वाली अभी, तो हम अभी अभी ये बोले कि काम करो 21 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो 21 रुपए में पेटीएम की हूँ अभी, पता नहीं उससे ज्यादा लगी है कि क्या कम की। नहीं, वो हो गया, मतलब शेयरिंग में मतलब हुआ कि 2000-2500 के आसपास, मतलब 2500-3000 के आसपास खर्चा होगा, उन्होंने कहा कि आप अभी आप 2100 भेज दीजिए, और अगर मतलब शेयरिंग में भेज दीजिए, क्या मतलब अपना श्रद्धा के अनुसार दिया है हमने, और अगर घटेगा तो देखा जाएगा, बढ़ेगा तो, बढ़ेगा तो नहीं है मतलब घटेगा ही, लेकिन ठीक है मतलब अब बढ़ेगा या घटे वही आप एक ही बात को तरीके से बढ़ेगा। अरे नहीं, उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, बाकी जो होगा हम लोग मिलकर देख लेंगे, ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा, और धूमधाम से मनाएंगे छठ, और
मतलब खुद से अगर कर रहे हैं अपने सोसाइटी के अंदर है तो भीड़ भी नहीं होगी, साफ सुथरे तरीके से करेंगे, अच्छा भी लगेगा और आप लोगों को भी वीडियो देखने में मजा आएगा। वीडियो आप इतना अच्छा बना के लोगों को दिखाइएगा तो मजा आएगा। आप आज इनको आज हम कितना बोले कि मतलब हम बहुत दुखी हो गए हैं कि आप मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी हम ही कर रहे हैं, खाना पीना भी हम ही बनाया है, बाहर भी हम ही को जाना पड़ता है, साथ में एक सिंगल ऐसा सामान नहीं हो सकता है जो ये खुद से जाके ले आए। सिंगल सामान हम ले आते हैं रात के समय में, समझे? तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा लाया हुआ कोई भी चीज इसको पसंद नहीं आता है, तो इससे अच्छा है कि भाई खुद ही जाके ले आओ। अब मैं जाकर के लाऊं, पहले तो जाके बाजार में सर लगाओ, सर फोड़ो, माथा मारो, उसके घर में आकर के इसके साथ लड़ाई करो, तो इतना ताकत नहीं है। भले बीपी इसका लो है लेकिन एनर्जी इसके अंदर ज्यादा है। मेरा बीपी हाई रहता है लेकिन मेरा एनर्जी बिल्कुल डाउन इसके सामने। नहीं, आपसे हमको भी बीपी लो हो सकता है, आपका भी बीपी लो, आपका दिमाग का लो, वो घुटना का लेवल, मतलब दिमाग का जो वो होता है ना लेवल, वो सर के नीचे हमेशा इतना गुस्सा आता है, हमको तो बीपी में हाई होता होगा, हम तो ये सोचते हैं बीपी हाई रहेगा लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि लो हो सकता है। वो तो मेरी मम्मी मतलब गेस की कि ये अजूबी मतलब, है अजूबी मतलब वो भी सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं इसकी बुद्धि जोड़ी बुद्धि। तो चलिए बेटी को तो समझा के मैं फिट जाएगी मेरे से। क्या कह रहा मैंने? वो कितने आप बोले कि मुंह धो लो, धो लिया तो इसका एग्जाम है 22 तारीख से, और ये नौटंकी कर रही है। जो ये घर में रहते हैं तो कभी नहीं बोलते हैं कि तनु पढ़ाई करो, उसको पढ़ाना लिखाना सब हमें मेरे ही हेडेक है। ऐसे बोला जाता है कि हम जो कहें वो सबको मानता ही है, नहीं हम भी बोलते हैं कि आप भी, हम नहीं मानते हैं तो अपनी आपकी बेटी देखिए एक्सेप्ट कर लीजिए, हम नहीं मानते हैं आपका बात। चलिए क्या बोला जाए उसको, कौन लड़ाएगा इसे, सब गला भी बैठ गया बोलते बोलते। यहाँ पे जेसीबी से खुदाई हो रही है, यहीं पे छठ घाट बनेगा, यहाँ सामने से सूर्य भगवान यहाँ से निकलेंगे इधर से, तो सुबह का आरा यहीं दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग फिर निकल गए हैं मतलब छठ का ही सामान लेने के लिए। यार जब तक मतलब छठ स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक सामान घटा ही हुआ रहता है, तो अभी हम लोग निकले हैं ग्रॉसरी शॉप में, यहाँ हम लोग आ गए हैं रिलायंस, तो यहाँ से हम लोग को लेना है जो भी मतलब पूजा में जैसे ठेकुआ वगैरह जो बनता है ना उसका जितना सामान होता है, और पूजा में जो भी मतलब पूजा का सामान है वो सब लेने के लिए आए हैं। अब सुबह कोसी ले लिए, लेकिन कोसी पे चढ़ाने के लिए भी सामान होता है जो यहाँ हम लोगों को पूजा दुकान में मिलेगा, तो वही सामान लेने के लिए अभी हम लोग आए हैं। तो फ्रेंड्स अभी मतलब सारा कुछ सुना है, लेकिन बहुत सारा चीज़ मैं अभी लेके आ गई हूँ घर में छठ के लिए, कि मतलब फास्टिंग में मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, और हस्बैंड जो है उनके लिए भी ये सब कुछ बिल्कुल नया नया सा है, तो इसलिए मैं सोची कि आज ही मोस्टली जितना भी मेरा काम है वो मैं कर लूँ, तो आज लगभग हो गया है, और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं अपना डिनर कर रही हूँ। तो ये कल जो हम लोग खाए थे ना, जो गोधन में बना था चने दाल की स्टफिंग वाली पूरी, वही बचा हुआ था, तो इसमें मैं लहसुन प्याज भी डाली थी, तो फिर ये तो हम लोग कल से खाएंगे नहीं, कल से छठ स्टार्ट है, तो मैं सोची कि इसको आज ही मतलब फिर से बनाती हूँ और इसको ख़त्म करती हूँ, और साथ में बैंगन की सब्ज़ी है, बैंगन आलू और ये आलू गोभी का भुजिया। तो ये है आज का डिनर, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत लेट हो गया था आने में, तो अभी मैं जल्दी जल्दी बस अपना डिनर को फिनिश करती हूँ और आप लोगों को ये व्लॉग जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, कि आप लोग व्लॉग को ज़्यादा मिस ना करें।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तो जो भी व्लॉग आएगा वो छठ पूजा का आएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।